हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। वार्ड की जनता ने अगर अवसर दिया तो वार्ड की सूरत बदल दूंगी, यह कहा दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 20 की भावी उम्मीदवार रंभा देवी ने। पत्रकारों से मुखातिब रंभा देवी ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई, अभी तक क्या काम किया है वह भी बताया और जनता ने अगर जीत का सेहरा बांधा तो फिर काम क्या क्या करेंगी यह भी उनकी सूची पूरी तरह से तैयार। मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए रंभा देवी ने कहा कि पिछली बार 2012 में भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन जितनी जनता ने मत उन्हें दिया उन सबके वे आभारी हैं। इस दरमियान उस वर्ष से लेकर अब तक काफ़ी काम जनता के लिए किया है, पब्लिक के लिए हर वक्त उनके साथ खड़ा होने का साहस रखती हैं रंभा देवी। उन्होंने कहा कि जीत का सेहरा अगर जनता ने उनके सर बांधा तो वार्ड की सूरत ऐसी बदल देंगी कि लगेगा ही नहीं कि वार्ड में कुछ कमी भी है। श्रीमती रंभा देवी ने कहा कि वार्ड की जनता उनके साथ है, जहां जहां वह जा रही हैं पुरजोर समर्थन भी मिल रहा है। उनके साथ वार्ड नंबर 20 निवासी जाने माने समाज सेवी दिलशाद ने भी उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। मेरा नाम रंभा देवी, पति चंदेश्वर महतो, मोहल्ला भगवान दास, जेपी चौक, दरभंगा की रहने वाली हूँ। वार्ड नंबर 20 में मेरी प्रतीक मकान हुआ। ऐसे फिलहाल घर क्षतिग्रस्त के होने के कारण मैं वार्ड नंबर 21 की जेपी चौक पर रह रही हूँ। मैं 2012 में लड़ी थी। मैं फर्स्ट बार जब लड़ी तो मैं 350 वोट लाई। लाने के बाद जो सहानुभूति, जो प्यार उस समय से और अभी तक हमें आ रहा है, मैं नहीं सोचती हूँ कि इस वार्ड की मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं एक सोशल महिला नहीं हूँ। ऐसा हमें नहीं लगता है। जब भी मैं वार्ड के अंदर ऐसे भ्रमण में निकलती हूँ, सारे हमें चाहते हैं और सब हमें अपना स्नेह प्यार देते हैं। हमसे जनता उम्मीद रखे कि पहले तो जनता चुनाव करे। अगर उनके मन में है कि मैं कोई शिक्षित महिला को लाऊं तो वो चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दबाव है कि हम ही को चुने। मैं उनसे अपनी जो उनसे आग्रह है कि जो जिसको भी चुने, कोई पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हो जो कि उनके वार्ड की विकास कर सके और आगे विकास करके बढ़ाएं। देखिए, हम सबसे पहले तो चुनेंगे साफ सफाई का। नंबर दो में देंगे शिक्षा। हमारा जो शिक्षा जो पीछे है, स्कूल बड़े बड़े हैं, मध्य विद्यालय हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था कुछ सही नहीं है। आंगनबाड़ी है, उसकी व्यवस्था सही नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी के हालात में पढ़ने नहीं जाते हैं। मैं परिश्रम करूंगी कि मैं घर से निकल कर खुद स्वयं, मैं ना ही तो अपने पति को और ना ही तो अपने बच्चों को लेकर साथ निकलूंगी। मैं अपना संघर्ष मैं खुद लड़ूंगी और उनको सुख खुद मैं सहयोग करूंगी। मेरी नॉमिनेशन 23 तारीख को होगी। मैं वार्ड नंबर 20 की जनता से यही कहूंगी, सभी मतदाताओं को, कि सबसे पहले तो मेरा बड़ों को प्रणाम हो और छोटे को नमस्ते हो। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप उस उम्मीद से चुने, जो अंधकार अगर आपके सामने उसको मिटा दीजिए। अंधकार मिटा के अगर रोशनी चाहते हैं तो फिर नया किरण के लिए, आप रोशनी के लिए आप चुनाव करें। समाज में सबसे पहली बात तो ये है कि कोई किसी का मतलब रहनुमा बन के नहीं बैठ सकता है, कोई ठेकेदार बन के नहीं बैठ सकता है। वार्ड नंबर 20 की मैं जनता से अपील करूंगा कि नए विकल्प के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ रंभा जी को चुने और सब लोग अपना मतदान एक तरफा रंभा जी की तरफ करें। हर बुरे परिस्थिति में रंभा देवी जी सभी लोगों के साथ दुख दर्द में खड़ी रहती हैं। इन्हीं सोच के साथ मैं इनका समर्थन किया हूँ।